नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज फिर सस्ता हुआ सोना और चांदी। सोने और चांदी के दामों में आई आज भारी गिरावट। तो दोस्तों आज कितना सस्ता हुआ है सोना और चांदी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दोस्तों कब तक सस्ता रहेगा इसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज हम आपको 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट सोने का करेक्ट भाव बताएंगे और 1 किलो चांदी का भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आज 24 कैरेट 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 50,297 रुपए का, इसमें 296 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों बात करते हैं 23 कैरेट की, तो आज 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 50,096 रुपए का, इसमें 294 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों बात करते हैं 22 कैरेट की, तो आज 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 46,072 रुपए का, इसमें आज 271 रुपए की गिरावट आई है। और दोस्तों नजर डालते हैं 18 कैरेट पे, तो आज 18 कैरेट यानी 10 ग्राम सोना 37,723 रुपए का, इसमें 222 रुपए की गिरावट आई है। और एक नजर डाल लेते हैं 14 कैरेट पे, तो आज 14 कैरेट 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 29,424 रुपए का, इसमें 173 रुपए की गिरावट आई है। तो दोस्तों आज सोना हुआ है सस्ता, और अगस्त 2020 से देखे जाए तो अभी भी यानी और 7,000 रुपए सस्ता है सोना। तो दोस्तों अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो यही सही मौका है सोना खरीदने का, अभी खरीद लें, अभी सस्ता है सोना। और दोस्तों इसी के साथ एक नजर डालते हैं चांदी पर, तो आज 1 किलो चांदी 60,961 रुपए की है, इसमें 659 रुपए की गिरावट आई है। तो दोस्तों आज चांदी भी सस्ती हुई है, और अगस्त 2020 से देखी जाए तो चांदी अब तक 17,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं शादी ब्याह पार्टी के लिए, तो यही सही मौका है सोना और चांदी खरीदने का, अभी खरीद लें, अभी सस्ता है सोना और चांदी। दोस्तों ये तो था आज का 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट और 1 किलो चांदी का करेक्ट भाव। दोस्तों रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास आए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।